लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा शौक था वो था कंसेलो का ना स्टार्ट करना, राइट? आई नो रिजल्ट 6-1 है तो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड, लेकिन इफ वी कैन टॉक अबाउट द फुल बैक्स. रोनाल्डो के लिए तो ऐसा था ये मैच जैसे आप अपनी एक्स की शादी पे जाएं कि खुशी का समय है मगर आपका दिल टूटा हुआ है. बट जहाँ तक हम कंसेलो की बात करें तो आई थिंक पोर्चुगल का एक मखसूस अंदाज़ है खेलने का, जिसमें जिस किस्म के उन्हें खिलाड़ी चाहिए शायद कंसेलो उसके लिए इतने मुफीद ना हो. और वो ये है कि पोर्चुगल बेसिकली जब अटैक कर रहा था तो उनके जो विंग बैक्स थे वो बहुत अग्रेसिवली बहुत हाई अप खेल रहे थे. उसकी वजह से एक तो पिन डाउन भी हो रही थी स्विट्ज़रलैंड की बैक लाइन और उनको थोड़ा सा ज़्यादा वाइड भी होना पड़ा था. यहाँ पे फिर जगह मिल रही थी जो पोर्चुगल के मिडफील्ड में जो दो प्लेयर्स थे जो विंगर्स थे वो बीच में हाफ स्पेसेस में आ सकते थे. ख़ास तौर पे अगर वो ड्रॉप बैक भी करते थे तो फिर स्विट्ज़रलैंड की लाइन भी ब्रेकअप हो रही थी, वो कोई उनको फॉलो कर रहा था, अब विंग बैक्स के लिए जगह थी. सो दे यू नीडेड प्लेयर्स हु कैन द विंग बैक्स टू बी पीपल हु कैन रन रियली फास्ट एंड गेट इन टू दो स्पेसेस एंड क्रॉस क्विकली. कंसेलो ऑब्वियसली इज़ अ मोर पोजेशन बेस्ड प्लेयर तो वहाँ मेरे ख्याल में उसकी इनकी ज़रूरत नहीं थी. और दूसरा यही था कि इवन वन देवर डिफेंडिंग इंसाइड ऑफ स्टिकिंग विद द बैक थ्री, क्योंकि कारवालियो आ रहे थे जब वो अटैक कर रहे थे द बैक थ्री, दे स्टक विद फॉर द बैक एंड दे वर लुकिंग टू प्रेस स्विट्ज़रलैंड टू वन ऑफ द साइड्स, गेट दोज विंगर्स एज देयर आउटलेट्स एंड देन ब्रेक अगेन वेरी क्विकली. आई थिंक इस मैच में जितना पोर्चुगल का everything went to plan, हर मैच में नहीं जाएगा. आई थिंक एक्स जी वाइज इट वॉज लाइक 2.5-1 और समथिंग लाइक दैट. सो दे क्लियरली ओवर परफॉर्म्ड इट बाई क्वाइट अ बिट. एंड आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ जो स्विट्ज़रलैंड नहीं कर पाए कि क्योंकि पोर्चुगल वर ऑफन आउट नंबर्ड एट द बैक, दे वुड हैव अ फ्री मैन ऑन वन ऑफ द विंग्स विच दे वर नॉट बींग एबल टू हिट.